अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है प्रिया खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। इस चैनल पे पूरी कोशिश की जाती है कि एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया जाए, उसका पर्पस बताया जाए, उसके पीछे के लॉजिक्स बताए जाएँ, ताकि आपको इंग्लिश को रट्टा ना लगाना पड़े नेक्स्ट टाइम। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है PSX अटैक। ठीक है, PSX मीन्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो आज का एडिटोरियल किस बारे में है, वो PSX के अटैक के बारे में है जो कि मंडे मॉर्निंग को हुआ था, और करने वाला कौन था, बलोच मिलिटेंट्स थे, उन्होंने हमला किया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, जिसमें क्या हुआ था, 4 अटैकर्स जो थे वो मारे गए, और जो 3 सिक्योरिटी गार्ड्स थे और 1 पुलिस ऑफिसर था वो शहीद हुए थे। और कहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि जो BL है उसने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है इस अटैक के। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये अटैक जो हुआ था ये PSX पर ही क्यों हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे इस एडिटोरियल में वो कुछ सिग्नल्स, कुछ लिंक्स शो कर रहा है। ठीक है, वो बता रहा है कि आखिर PSX के ऊपर ही हमला क्यों हुआ था, ये चीज़ें किस की तरफ लेकर जाती हैं और किन लोगों की तरफ इशारा करती हैं कि कौन कौन इनमें मुलव्वस हो सकते हैं। एक उसने ये भी बात की है कि जो किसी तरह से ऐसा लग रहा है कि जो दुश्मन है वो बुरी कोशिश कर रहा है कि मुल्क को इकोनॉमिकली लिहाज से कमज़ोर बनाने की, और एट दी एंड पे वो ये बात कह रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और तमाम कोशिशें करनी चाहिए ताकि वो हर तरह की माइनर से माइनर जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी निगलेक्ट नहीं करें और हर मुमकिन कोशिश करें ताकि वो जो दुश्मन हैं उनके जो मंसूबे हैं उनको नाकाम बना सकें। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करें जो वोकैब इस्तेमाल हुई है उनके आप नोट्स बनाएं। आफ्टर अ कंसीडरेबल लल, कह रहे वो जो काबिले गौर एक सुकून था, एक पॉज आया था, एक सुकून का दुरानिया आया था ना, द स्पेक्टर, उसके बाद क्या हुआ, जो स्पेक्टर था ना, खौफ, किस चीज़ का खौफ लगा के बता रहा है, अर्बन टेररिज्म का रिटर्न, वो वापस आ गया है विद फुल फोर्स, अपनी पूरी ताकत के साथ टू कराची, कराची में ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह, ऐसा जैसा कि बलोच सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स, जो बलोच के अलग की पसंद ग्रुप है ना, स्टॉर्म था पाकिस्तान, उसने अटैक किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। अब इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कह रहा है कि एक जो काबले गौर, एक जो सुकून का दुरानिया आया था ना, तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो खौफ था ना कि अर्बन टेररिज्म का, वो रिटर्न हो गया है फुल ताकत के साथ कराची में मंडे की सुबह। जैसा कि वो कह रहा है, जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, जो अलैद की पसंद ग्रुप थे, उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। अब देखो कंसीडरेबल क्या चीज़ होती है, कंसीडरेबल का मतलब होता है काबले गौर, ठीक है, लार्ज और ऑफ नोटिसेबल इम्पोर्टेंस, हर वो चीज़ कंसीडरेबल होगी जो कि एक नोटिसेबल इम्पोर्टेंस रखती होगी, जो बड़ी अहमियत रखती होगी। अच्छा, लल, लल क्या चीज़ होती है, लल का मतलब होता है सुकून का दौर, ठीक है, जो सुकून का थोड़ा सा वो जो पॉज आता है ना उसको कहते हैं लल, अ टेम्पोरेरी काम, एक टेम्पोरेरी काम, सुकून, किससे पहले, बिफोर और ड्यूरिंग, बिफोर किसी चीज़ से पहले या किसी चीज़ के दौरान, किस चीज़ के दौरान, स्टॉर्म, तूफान के, मतलब तूफान से पहले का वो जो टेम्पोरेरी काम है, वो जो सुकून का दौर है, या वो जो स्टॉर्म है, वो जो तूफान है उसके दौरान जो सुकून का दौर है उसको बोलते हैं लल। अच्छा, लल से एक वर्ड बनता है लल्लाबाई, ठीक है, लल्लाबाई का मतलब होता है लोरी, ठीक है, जो बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वो सो जाएँ, ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है, अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग sung टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप, एक सॉफ्ट सॉन्ग जो होता है, जेंटल सॉन्ग जो सुनाया जाता है बच्चों को ताकि वो सो जाएं, ठीक है। अब ये दोनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं इसलिए मैंने दोनों को आज इकट्ठा कवर किया है, लल और ललाबाई। स्पेक्टर, स्पेक्टर का मतलब क्या होता है, जब कहीं पे आपको नज़र आ जाए ना स्पेक्टर ऑफ समथिंग,
मतलब स्पेक्टर ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब होता है समथिंग कुछ दैट पीपल आर अफ्रेड हो, कि यहाँ पे समथिंग लगा के आपने वो बात करनी है कि उस चीज़ का जिक्र करना है जिससे लोग खौफजदा हो, बिकॉज क्योंकि इट मे अफेक्ट दैम बैडली, कि वो जो चीज़ है उनको अफेक्ट कर सकती है बड़ी बुरी तरह से। जो स्पेक्टर होता है ना असल में, उसका जो खाली स्पेक्टर देखा जाए उसका मतलब होता है साया, ठीक है। मतलब वो साया जैसे खौफ का साया सर पे मंडलाता है ना आप, वो किसी इंसान को हर टाइम धचका लगा रहता है कि अब ना कुछ हो जाए, अब ना कुछ हो जाए, तो ये वो चीज़ है स्पेक्टर ऑफ समथिंग। और यहाँ पे किस चीज़ का स्पेक्टर था? अर्बन टेररिज्म का, विद फुल फोर्स। इसका मतलब होता है पुट ऑल ऑफ योर एफर्ट्स, अपनी सारी कोशिशें डाल देना, तो उसको कहते हैं विद फुल फोर्स। अच्छा, सेपरेटिस्ट होते हैं, ये वो ग्रुप होता है जो अलहदगी पसंद होता है, जो अलहदगी में बिलीव रखते हैं। स्टॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? स्टॉर्म का मतलब होता है टू अटैक अ प्लेस और बिल्डिंग बाय एंटरिंग सडनली इन ग्रेट नंबर्स। अचानक से जो हमला करना है ना किसी जगह पे, किसी बिल्डिंग पे, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है स्टॉर्म्ड। अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी फोर्सेस, कह रहे हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके मुताबिक, फोर अटैकर्स, कह रहे हैं जो चार अटैकर्स थे ना, वर न्यूट्रलाइज्ड, वो मारे गए, वाइल जबकि थ्री सिक्योरिटी गार्ड्स एंड अ पुलिस ऑफिसर ले डाउन देयर लाइव्स। जो तीन सिक्योरिटी गार्ड्स थे और एक पुलिस ऑफिसर था, उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, मतलब जब वो जॉब में थे, जब वो काम कर रहे थे, ड्यूटी पे थे उस दौरान। अब इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कर रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनके मुताबिक चार अटैकर्स जो थे उनको मार दिया गया, जबकि जो तीन सिक्योरिटी गार्ड्स थे और एक पुलिस ऑफिसर था, उन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अब देखो, यहाँ पे अटैकर्स की बात हुई है, ठीक है ना, अटैकर्स की, तो उसके लिए उसने वर्ड क्या इस्तेमाल किया? न्यूट्रलाइज्ड, जिसका मतलब होता है किल कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना समथिंग। अब देखो, यहाँ पे बात हुई है सिक्योरिटी गार्ड्स की और पुलिस ऑफिसर की, तो उनके लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है? ले डाउन। ले डाउन वंस लाइफ का मतलब ये होता है अपनी जान को कुर्बान कर देना किसी इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए, या इसका मतलब होता है कि किसी मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना। अब देखो, इनके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है और इनके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है? द लाइन ऑफ ड्यूटी। देखो, अगर तो कोई इंसान इन द लाइन ऑफ ड्यूटी है ना, तो इसका मतलब है वो इंसान अपनी जॉब पर है, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। जैसे सोल्जर हो गया, पुलिसमैन हो गया, फायरमैन हो गया, हु वॉज किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, इनमें से कोई भी आपको न्यूज़पेपर में ज़रूर नज़र आएगा कि कोई सोल्जर था या पुलिसमैन था या फायरमैन था, वो किल्ड हो गया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, मतलब जब वो अपना काम कर रहा था, जब ड्यूटी पे था। द प्रोस्क्राइब्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कहता है ये जो आर्मी थी ना, जो कि प्रोस्क्राइब्ड थी, मतलब प्रोहिबिटेड थी, मना थी, has reportedly taken responsibility। वो कह रहा है ऐसी रिपोर्ट आई है कि वो ले चुके हैं किस चीज़ को, जिम्मेदारी को, फॉर द एक्ट, काम के। अच्छा, कौन सा काम था? ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी का। वायर जबकि सिक्योरिटी ऑफिशल्स इन सिंध, कह रहा है जो सिक्योरिटी ऑफिशल्स थे सिंध में, अच्छा अब ये लगा के हाइफन वो बात कर रहा है, एज वेल एज, साथ ही साथ, और कौन था? कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर, जो कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं, हैव एक्यूज्ड, वो एक्यूज्ड कर चुके हैं इंडिया को फॉर एक्टिवेटिंग, कि उसने एक्टिवेट कर दिया है, फिर से उनको जिंदा कर दिया है, फिर से उस किसी डेड चीज़ को एक्टिव कर दिया है। किसको एक्टिव किया है? स्लीपर सेल्स को इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। अब ये स्लीपर सेल्स क्या होता है, मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं, वो ये कह रहा है कि जो प्रोस्क्राइब्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी थी ना, ऐसी रिपोर्ट आई है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को इस टेररिज्म के एक्ट की, ठीक है, इस दहशतगर्दी के अमल की, इस दहशतगर्दी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वो कबूल कर चुके हैं, जबकि जो सिक्योरिटी ऑफिशल्स थे इन सिंध में,
एज वेल एज और साथ ही साथ जो कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर था वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं इंडिया को कि वो एक्टिवेट कर चुका है स्लीपर सेल्स को पाकिस्तान में। अच्छा अब देखो, ये प्रोस्क्राइब्ड का मैंने बता दिया था, ये प्रोहिबिटेड होता है, उसके लिए इस्तेमाल करता है कि जब कोई चीज़ मना हो। अच्छा ये बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है, BLAP इसकी एब्रीवेशन है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा स्लीपर सेल्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सीक्रेट एजेंट्स, जो खुफिया एजेंट्स होते हैं ना, दैट हैव रिमेंड इनएक्टिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो कि काफ़ी अरसे तक बिल्कुल इनएक्टिव रहे हों। ठीक है, अब इल्ज़ाम क्या लगा है कि ये जो खुफिया एजेंट्स हैं ना, इसने इनको एक्टिव कर दिया, इनको दोबारा से अमल में ले आया इनको। द सिम्बोलिज्म ऑफ द टारगेट कैन नॉट बी मिस्ड, कह रहा है ये जो सिम्बोलिज्म है ना, किसका, निशाने का जो इशारा है, कैन नॉट बी मिस्ड, इसको मिस नहीं किया जा सकता, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। द PSX रिप्रेजेंट्स, जो PSX है ना, वो कह रहा है ये रिप्रेजेंट करता है, ये नुमाइंदगी करता है द बीटिंग हार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है, बीटिंग हार्ट है, मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है इन द कंट्रीज कमर्शियल कैपिटल, जो कंट्री का कमर्शियल कैपिटल है उसमें, एंड इज़ लोकेटेड और वाक़िया है इन एन एरिया, उस जगह पे वेयर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, द सेंट्रल पुलिस ऑफिस एंड अदर मेजर पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर बेस्ड। वो कह रहे हैं जो PSX है ना, वो तो रिप्रेजेंट करता है, वो तो बीटिंग हार्ट है, वो तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंट्री के कमर्शियल कैपिटल में, और ये वाकया है उस एरिया में जहाँ पे द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल पुलिस ऑफिस और दूसरे बहुत बड़े पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बेस्ड हैं, मतलब वो वहाँ पर लोकेटेड हैं। अच्छा सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा देखने की चीज़ नहीं है। द PSX जो है हमारा सब्जेक्ट है, रिप्रेजेंट्स उसकी वर्ब है, और PX हमारा सब्जेक्ट है, इज़ लोकेटेड उसकी वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। अच्छा उसके बाद ये सारे का सारा हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब ये पड़ी हुई है। क्लियरली, साफ साफ, होस्टाइल एक्टर्स, जो दुश्मन है, आर ट्राइंग टू सेंड द मैसेज, वो कोशिश कर रहे हैं भेजने की मैसेज को, दैट ये कि द कंट्रीज इकोनॉमिक नर्व सेंटर इज़ वल्नरेबल, कि जो कंट्री का इकोनॉमिक नर्व सेंटर है ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो बहुत ही वल्नरेबल है, बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही ससेप्टिबल है। तो वो ये बात कह रहा है, अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है कि जो दुश्मन है ना, वो साफ साफ ना कोशिश कर रहे हैं मैसेज भेजने की, मैसेज ये है कि जो कंट्री का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो बहुत ही वल्नरेबल है, वो बहुत ही ससेप्टिबल है और वो इजीली अफेक्ट होने वाला है। वल्नरेबल क्या चीज़ होती है? अच्छा वल्नरेबल का मतलब होता है वो चीज़ जो ससेप्टिबल हो, डिफेंसलेस हो, एक्सपोज्ड हो, मतलब जो बहुत जल्दी असर कबूल कर सके, जो बहुत जल्दी अफेक्ट हो सके। ठीक हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। However, ताहम द पुलिस एज वेल एज, साथ ही साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मस्ट बी लॉडेड, उनकी लाजमी तारीफ करनी चाहिए फॉर देयर ब्रेवरी, उनकी वो हादरी के लिए, एंड अलक्रिटी मतलब उनकी जो तेजी थी, उनकी जो फुर्ती थी, विच मे हैव प्रिवेंटेड, जो हो सकता है वो रोक चुकी हो, किसको, अ बिगर डिजास्टर को, एक बहुत बड़े डिजास्टर को, एक बहुत बड़ी तबाही को। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कह रहा है कि जो पुलिस है उसके साथ साथ जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी लाजमी तारीफ करनी चाहिए उनकी बहादुरी के लिए, उनकी चुस्ती के लिए, हो सकता है जिसकी वजह से, मतलब ये जो चीज़ है ना, उनकी ब्रेवरी, उनकी बहादुरी और उनकी जो चुस्ती है, हो सकता है इसकी वजह से वो प्रिवेंट कर चुके हों एक बहुत बड़े डिज़ास्टर को, बहुत बड़ी तबाही को। अच्छा पुलिस हमारा सब्जेक्ट है और मस्ट बी लॉडेड इसकी वर्ब है। लॉड करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तारीफ करना, हाईली प्रेज्ड और एडमायर्ड। मे हैव प्रिवेंटेड, इसका मतलब क्या होता है? देखो मे हैव और प्लस B3, इसका मतलब है मे जो है ना वो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, कहता हो सकता है वो ये वाला जो काम है वो इसलिए कर चुके हों। ठीक है, मतलब ये वाला जो काम है ना, जो उन्होंने किया है, ये किस लिए किया है, कि वो रोकने के लिए किया है एक बहुत बड़े डिजास्टर को, बहुत बड़ी तबाही को।
एलेक्रिटी का मतलब क्या होता है? एलेक्रिटी का मतलब होता है तेजी, फुर्ती, स्पीड एंड ईगरनेस। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स से द अटैकर्स केम विद फूड एंड वाटर। कह रहे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कहते हैं कि जो अटैकर्स थे वो आए थे, किसके साथ आए थे वो विद लगा के बता रहे हैं, फूड के साथ और वाटर के साथ। अब वो कह रहा है इंडिकेटिंग, इंडिकेट करते हुए, इशारा देते हुए, दैट ये कि दे मे हैव इंटेंडेड, कहता हो सकता है वो रखते हो इरादे को। इरादा किस चीज़ का? टू टेक होस्टेजेस, ताकि वो यर्कमाल बना सकें और लंबा कर सकें PSX के घेरे को, उसके गिर जो घेरा डाला था उसको वो प्रोलोंग कर सकें। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहे हैं सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने कहा कि जो अटैकर्स थे वो आए थे फूड के साथ और वाटर के साथ, और ये बात जो उसने कही थी वो किस तरह से कही थी? इशारा देते हुए, इंडिकेट करते हुए कि हो सकता है वो इरादा रखते हों कि वो कैदी बनाना चाहते हों, यर्गमाल बनाना चाहते हों, और ये जो PSX के गिर जो घेरा है उसको लंबा करना चाहते हों। तो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हमारा सब्जेक्ट, से उसकी वर्ब हो गई, अटैकर सब्जेक्ट, केम उसकी वर्ब। देखो विद लगा के उसने बताया कि वो किन चीज़ों के साथ थे, और इंडिकेटिंग का मतलब है कि वो कौन से दो एक्शन हैं वो जो दो साथ हो रहे हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे उसने कहा है मे हैव, ठीक है, मे के बाद ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है जो कि हैव है, ठीक है। यहाँ पे ये वो परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, ये सिंपल उसने कहा है कि हो सकता है वो रखते हो। हमने कहा था जो हैव है वो पोसेशन को भी शो करता है। होस्टेजेस का मतलब होता है यर्गमाल बनाना किसी को। प्रोलोंग, प्रोलोंग का मतलब होता है एक लंबे अरसे तक जारी रहने वाला, लेंथन इन टाइम, जो टाइम में लंबा हो, ठीक है। मतलब वो घेरे को लंबा करने की ट्राई कर रहे थे ना, उसका इरादा रखते थे, तो उसके लिए आया है प्रोलोंग। अच्छा सेज का मतलब क्या होता है? घेरा डालना। द सराउंडिंग ऑफ अ प्लेस, कह रहा है जो प्लेस है ना, जगह है, उसकी जो सराउंडिंग है उसको घेरा डालना आर्म्ड फोर्स के साथ, मतलब पूरे हथियार के साथ, ताकि क्या कर सकें, वो डिफीट कर सकें उन लोगों को जो डिफेंड करते हैं इसको। रेंजर्स चीफ सेज द असॉल्ट बियर्स अ सिमिलरिटी टू द नवंबर 2018 असॉल्ट ऑन द चाइनीज कॉन्सुलेट इन कराची। कह रहा है जो रेंजर चीफ्स है ना, वो ये कहता है कि जो हमला है ना वो रखता है एक सिमिलरिटी को, मतलब उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो सिमिलर है। किस चीज़ से? नवंबर 2008 के हमले से, जो कि चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे हुआ था कराची में, इन विच जिसमें BLA अटैकर्स जो थे ना वो आल्सो इन्वॉल्व, वो शामिल थे। तो ये जो सिंध रेंजर्स है हमारा सब्जेक्ट है, सेज उसकी वर्ब है। अब जो बात कही है वो अपने आप में एक पूरी की पूरी क्लॉज है, द असॉल्ट बियर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे BLA जो है वो सब्जेक्ट है, वर्ड इन्वॉल्व जो है उसकी वर्ब है। असॉल्ट कौन होता है? असॉल्ट का मतलब होता है अटैक करना, इंक्रियन करना, हमला करना। बियर्स, ठीक है, अब ये चीज़ नोट करो, ठीक है, इसके एक के साथ आप कितना कुछ सीखोगे आज, कि बियर आर रिजेम्बलेंस भी हो सकता है, रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, सिमिलरिटी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा टू, ये जो नज़र आ रहा है ना आपको टू, ठीक है। अब ये चीज़ नोट करो कि आप ये भी बोल सकते हो, रिजेम्बलेंस की भी बात कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ है वो रिजेम्बलेंस भी रखती है, सिमिलरिटी भी रख सकती है, रिलेशन भी रख सकती है, ठीक है। इसका मतलब है टू सीम, दिखाई देना, टू बी, होने के लिए, सिमिलर, एक जैसा, टू समथिंग, किसी चीज़ के लिए, और रिलेटेड टू इट इन सम वे, या किसी भी तरह से किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करना, ताल्लुक रखना। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर हुआ है? यहाँ पे हुआ है बियर्स अ सिमिलरिटी टू, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। मोर ओवर, मजीद, स्पीकिंग, बोलने के बाद, आफ्टर मंडेज इंसिडेंट, मंडे इंसिडेंट के बोलने के बाद, ही सैड, उसने कहा, इंडियन इंटेलिजेंस वॉज डिवेलपिंग अ नेक्सस बिटवीन बलोच एंड अदर सेपरेटिस्ट, के वो जो है ना इंडियन इंटेलिजेंस वो डिवेलप कर रही थी, वो बना रही थी ताल्लुक को, किसके दरमियान में? बलोच और दूसरे सेपरेटिस्ट के दरमियान में, एज वेल एज, और साथ ही साथ एलिमेंट्स, वो अनासर लॉयल जो कि वफादार थे टू MQM लंदन के साथ, एडिंग दैट, इजाफा करते हुए ये कि वॉयलेंस टारगेटिंग रेंजर्स पर्सनल इन सिंध अर्लियर दिस मंथ बिलीव टू हैव बीन कैरिड आउट, कह रहा है कि ऐसा यकीन किया जाता है कि ये जो वॉयलेंस था ये कैरिड आउट किया गया, ये एक्सिक्यूट किया गया सिंध सेपरेटिस्ट के जरिए, वॉज पार्ट ऑफ सेम एजेंडा, वो जो था ना वो हिस्सा था सेम एजेंडा का। अच्छा ये वॉज यहाँ पर वर्ब है, मैंने इसको हाईलाइट करना भूल गई हूँ।
तो अब वो ये बात कह रहा है कि सेंटेंस काफ़ी लंबा है, लेकिन चले कोशिश करते हैं। वो कह रहा है कि मंडे के इंसिडेंट के बोलने के बाद ही सेड, उसने ये बात कही है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस है ना, वो डिवेलप कर रही थी एक ताल्लुक को बलोच और दूसरे सेपरेटिस्ट के दरमियान में, और साथ ही साथ एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो कि लॉयल थे, वफादार थे MQM लंदन से। अब वो कह रहा है कि एडिंग दैट, इजाफा करते हुए इस बात का कि जो वॉयलेंस था ना, जो टारगेट कर रहा था रेंजर्स पर्सनल को इन सिंध में इस महीने की शुरुआत में, ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो एक्सिक्यूट हुआ है, ये जो वॉयलेंस है ये एक्सिक्यूट हुआ है सिंध सेपरेटिस्ट के ज़रिए, और जो वॉयलेंस था वो हिस्सा था सेम एजेंडा का, मतलब उसके पीछे भी एक सेम पर्पस था। तो मोर ओवर का मतलब क्या होता है? मोर ओवर का मतलब होता है मजीद, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा उसने क्या बात की थी। उसके लिए बिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, फर्दर मोर भी यूज़ कर सकते हैं, इन एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्सस का मतलब होता है ताल्लुक, अ कनेक्शन और सीरीज ऑफ कनेक्शन लिंकिंग टू और मोर थिंग्स, एक कनेक्शन, ताल्लुक या सीरीज ऑफ कनेक्शन, एक के बाद दूसरा ताल्लुक जो लिंक करता हो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। अच्छा ये देखो, अब ही सब्जेक्ट है, सेड उसकी वर्ब है, इंडियन इंटेलिजेंस सब्जेक्ट है, वॉज डिवेलपिंग उसकी वर्ब आ गई। वॉयलेंस जो है ना, अब के उसने ये बताया है कि ING लगा के, कि ये वो कौन सा वॉयलेंस था, ये कौन सा तशद्दुद था, ये वो था जो टारगेट कर रहा था रेंजर्स पर्सनल को, उनके स्टाफ को सिंध में इस महीने की शुरुआत में। अब वो कह रहा है ये जो वॉयलेंस था, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी वर्ब है। और उसके बाद उसने कहा है कि यही जो वॉयलेंस था वो हिस्सा था किसका, सेम एजेंडा का, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। अच्छा ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो दोनों वर्ब्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है वो सेम है, इसलिए। अच्छा यहाँ पे पर्सनल इस्तेमाल हुआ है, तो कुछ दिन पहले एडिटोरियल्स में मैंने आपको पर्सनल और पर्सनल के दरमियान में डिफरेंस बताया था, तो उसके बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा बिलीव टू हैव बीन कैरीड आउट, देखो कैरी आउट समथिंग का मतलब होता है टू परफॉर्म और कंप्लीट अ जॉब और एक्टिविटी टू फुलफिल, मतलब किसी काम को एक्सिक्यूट करना, किसी काम को पूरा करना, तो उसके लिए यूज़ होता है कैरी आउट। अच्छा अब यहाँ पे जो बना हुआ है टू हैव बीन कैरीड आउट, ये बना हुआ है परफेक्ट इन्फिनिटिव पैसिव का। कल भी हमने एक इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर देखा था, आज जो है वो है परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव बना हुआ है। बी प्लस बी थ्री से मुझे पता चल गया जी ये पैसिव स्ट्रक्चर है, और हैव से पता चल गया कि ये परफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये जो बिलीव आया ना, वो ये बात कर रहा है कि ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा बिलीव किया गया कि ये वाला जो काम है ना ये हो चुका है इनके ज़रिए, ठीक है। टू हैव बिन कैरीड आउट, टू हैव बिन कम्प्लीटेड, मतलब ये वाला जो काम है वो हो चुका है इनके ज़रिए, ये वाली चीज़ को बिलीव किया गया। तो ये जो परफेक्ट इन्फिनिटिव होती है ये एक्शन की कम्प्लीटेशन को शो करती है, इसके कम्प्लीट होने को, और ये खास वर्ब्स के साथ आता है, जैसे यहाँ पे बिलीव्ड आ गया, सीम हो गया, तो इनके साथ आपको ये परफेक्ट इन्फिनिटिव नज़र आएगी। द सिटीज पुलिस चीफ ऑल्सो पॉइंटेड आउट, कह रहा है जो सिटी का पुलिस चीफ था उसने इशारा दिया किसकी तरफ, के लॉ एनफोर्सर्स हैड रिसीव्ड एडवांस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, जो लॉ एनफोर्सर्स हैं ना, जो लॉ को नाफिज करने वाले हैं, वो रिसीव कर चुके थे एडवांस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को। अच्छा कौन सी रिपोर्ट्स आई थी उनको, ऑफ अ पॉसिबल अटैक, के पूरे चांसेस थे कि ये अटैक होगा PSX के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो ये कह रहा है जो सिटी के पुलिस चीफ थे उन्होंने इशारा किया कि जो लॉ एनफोर्सर्स हैं वो रिसीव कर चुके थे ऐसे सिग्नल्स, ऐसी रिपोर्ट्स, कौन सी रिपोर्ट्स के जी ये अटैक होगा PSX के ऊपर। कराची हैज़ विटनेस्ड, कह रहा कराची विटनेस कर चुका है अ लार्ज नंबर ऑफ बॉम्बिंग, बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग्स को, एंड अदर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, और जो दूसरे अमल हैं दहशतगर्दी के, मोस्टली ऑर्केस्ट्रेटेड बाय जिहादी, कहता है मोस्टली जो है ना, जो ज़्यादा जो टेररिज्म जो एक्ट हैं वो मंसूबे बनाए गए थे जिनके ज़रिए, जिहादी के ज़रिए, एंड सेक्टेरियन मिलिटेंट्स, वो दहशतगर्द जो सेक्टेरियन थे, मतलब फिरका वराना, ओवर द पास्ट टू डिकेड्स, पिछले टू डिकेड्स से, और सो और इससे भी ज़्यादा।
तो वो ये कह रहा है कि कराची तो विटनेस कर चुका है एक बहुत बड़े ये बॉम्बिंग्स को, ये जो हमले हैं और दूसरे जितने भी अमल हैं दहशतगर्दी के, और कहता मोस्टली जो है ना ये वाले जो एक्ट्स हैं इनको मंसूबा बनाया जाता था जिहादी के ज़रिए या सेक्टेरियन मिलिटेंट्स के ज़रिए, और कब से बनाया जा रहा है, कहता पिछले 2 डिकेड से या इससे भी ज़्यादा से। अच्छा, विटनेस करने का मतलब क्या होता है? टू सी समथिंग हैपन, स्पेशली एन एक्सीडेंट और क्राइम। ठीक है, ये जो विटनेस होता है ना ये वर्ड इन चीज़ों के लिए आता है। ठीक है, ये जिस तरह से उसने बॉम्बिंग का वर्ड इस्तेमाल किया है, कोई क्राइम का वर्ड इस्तेमाल किया है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इन चीज़ों के लिए आता है विटनेस्ड वर्ड। अच्छा, अ लार्ज नंबर ऑफ, देखो अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा या बहुत सारे। ठीक है, और इसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, जैसे यहाँ पे क्या आया है, बॉम्बिंग्स आया है। ठीक है, बॉम्बिंग नहीं आया, बॉम्बिंग्स आया है। अच्छा, अदर एक्ट्स, एक और चीज़ देखो, जो एन अदर होता है ना वो अपने बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है, जो अदर होता है वो अपने बाद प्लूरल नाउन को लेता है। जैसे यहाँ पे अदर के बाद एक्ट्स आया है, एक्ट नहीं आया, तो इस चीज़ को आप लिख लो कहीं पर। टेररिज्म का मतलब क्या है? दहशतगर्दी। ऑर्केस्ट्रेटेड, जो ऑर्केस्ट्रेट होता है ना इसका मतलब होता है, जो वर्ब है इसका मतलब होता है मनसूबा बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ हुई है सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप प्लान्ड भी कह सकते हो, कोऑर्डिनेटेड भी कह सकते हो कि किसके ताउन से ये सारा काम हुआ था। सेक्टेरियंस वो होते हैं जो फिरका वराना होते हैं। दिस इज़ अपार्ट फ्राम द एथनिक, कहता है ये जो चीज़ है ना ये अपार्ट फ्राम द एथनिक, ये एथनिक से भी अलग है, पॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन किलिंग से भी अलग है। दैट डिस्ट्रॉय द सिटीज पीस, जो कि उसने तबाह कर दिया पूरे शहर के पीस को, फ्राम द मिड 1980s ऑनवर्ड्स, जो मिड था ना 1980 का उसके आगे का जो टाइम है ना तब से ही इसने क्या किया, इसने मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सिंपल है, वो ये बात कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना ये इन चीज़ों से अलग है। ठीक है, और ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरे शहर के अमन को, यहाँ से मीट जो 1980s का था उससे आगे से। टू मैनी प्रेशियस लाइव्स, कह रहा बहुत ज़्यादा जो कीमती जानें थी। अच्छा, कौन सी जानें? अब ये डैश के बाद बता रहा है, ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, लॉ ऑफिस करने वाले, एज वेल एज, साथ ही साथ सिटीजन शहरियों की, हैव बीन लॉस्ट, वो लॉस्ट हो गई हैं। पुशिंग द सिटी टुवर्ड्स अ वॉर्टेक्स ऑफ वायलेंस, पुश करते हुए धकेलते हुए सिटी को किसकी तरफ, एक वॉर्टेक्स ऑफ की तरफ, जो कि वायलेंस का है। ये वॉर्टेक्स ऑफ क्या होता है मैं अभी तफसील से बताती हूँ। तो ये बात कर रहा है, कह रहा है बहुत ज़्यादा जो जिंदगियाँ थी जिसमें लॉ इन्फोर्सर्स भी थे सिटीजन्स भी थे वो ज़ाया हो चुकी हैं, वो खोई जा चुकी हैं, पुश करते हुए सिटी को किसकी तरफ, वॉर्टेक्स ऑफ वायलेंस की तरफ। अच्छा, अब वॉर्टेक्स ऑफ क्या होता है? देखो, अब वॉर्टेक्स उसके बाद आपको ऑफ नज़र आएगा, जब आपको ऑफ नज़र आएगा तो इसका मतलब है ये एक सिचुएशन को बता रहा है, एक सूरत हाल को बता रहा है। और ये कौन सी सिचुएशन है, जैसे यहाँ पे वॉयलेंस की है तो यहाँ पे कह रहा है दैट हैज़ अ पावरफुल इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइफ, जो असर रखती है ऐसी सूरत हाल, ऐसी सिचुएशन जो कि असर रखती है लोगों की जिंदगियों पर, एंड क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है उनके बिहेवियर्स को, इवन इफ दे डू नॉट वॉन्ट इट, जबकि वो चाहें भी ना। तो वो ये वो चीज़ कह रहा है कि असल में बात कर रहा है, ये वो सूरत हाल होती है, ये सिचुएशन होती है जो असर अंदाज होती है लोगों की जिंदगियों पे, तो उसके लिए यूज़ होता है अ वॉर्टेक्स ऑफ। ठीक है, अब ये कौन सी सिचुएशन थी, कहाँ पे इसने पूरे शहर को धकेल दिया था, वॉर्टेक्स ऑफ वॉयलेंस के ऊपर, एक ऐसी सूरत हाल के ऊपर जिसमें पूरा वॉयलेंस था और जो लोगों की जिंदगियों पे बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा था। फ्रॉम मंडेज अटैक, कह रहा मंडे के अटैक से, एज वेल एज द अदर स्मॉलर स्केल इंसिडेंट्स, कहता साथ ही साथ जो दूसरे छोटे स्केल के इंसिडेंट्स थे, ओवर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले चंद दिनों से इट इज़ क्लियर, ये साफ है दैट ये के अटैम्प्ट आर बींग मेड टू डी स्टेबलाइज द मेट्रोपोलिस, कह रहे हैं कि ये जो अटैम्प्ट है ना, कोशिशें ये की जा रही हैं डी स्टेबलाइज करने के लिए, नाकाम करने के लिए मेट्रोपोलिस को, मतलब कराची को। तो वो ये बात कह रहा है कि मंडे के अटैक से और साथ ही साथ दूसरे जो स्मॉलर स्केल के इंसिडेंट्स हो चुके हैं पिछले कई हफ्तों से, ये चीज़ वाजिया है कि जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं ताकि वो इस मेट्रोपोलिस को, इस सिटी को, इस शहर को डिस्टेबलाइज कर दें। अच्छा, डिस्टेबलाइज क्या चीज़ होती है? टू मेक समथिंग लेस सक्सेसफुल और पावरफुल और लेस एबल टू कंट्रोल इवेंट्स। ठीक है, वो जो चीज़ होती है वो उस चीज़ को कहते हैं डिस्टेबलाइज करना। ठीक है, किसी चीज़ को नाकाम करना,
उसकी पावर को ख़त्म कर देना, उसको इस काबिल कर देना कि वो अपने अंदर के इवेंट्स को भी कंट्रोल ना कर सके, तो उसको कहते हैं डिस्टेबलाइज। सिक्योरिटी फोर्सेस मस्ट रिमेन अलर्ट, कह रहा है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको रिमेन लाजमी अलर्ट रहना चाहिए एंड सेटअप, और लाजमी सेटअप करना चाहिए इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटीज़ को, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसका मकसद क्या है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना टू थॉट ताकि वो रोक सके प्लान्स को, मनसूबों को, और सबवर्सिव एलिमेंट्स, वो जो सबवर्सिव एलिमेंट्स हैं उनके जो मकासद हैं उनको रोक सकें। तो ये बात कह रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको रहना चाहिए अलर्ट, और साथ ही साथ उनको जो है ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिसके ज़रिए वो इंफॉर्मेशन को लेकर आए, और पर्पज़ क्या है इस इंफॉर्मेशन को लाने का, ताकि वो रोक सकें मनसूबों को जो कि एक्सट्रीम, जो कि रेडिकल अनासर हैं मुल्क में उनके। अच्छा, अब ये देखो इंटेलिजेंस गैदरिंग क्या होता है। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप कलेक्ट करते हो इंफॉर्मेशन को डिफरेंट प्लेसेस से, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। ये क्यों करनी है, थॉट लगा के वो बता रहा है कि ऑब्स्ट्रक्ट, कि रोक सकें, इंटरप्ट कर सकें, इम्पीट कर सकें। सबवर्सिव का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल, मतलब जो इंतहा पसंद अनासर हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये उनके मंसूबे हैं। द पॉसिबिलिटी कहता है जो चांसेस हैं दैट ये कि होस्टाइल स्टेट्स आर लुकिंग टू स्टिर अप ट्रबल, कि जो होस्टाइल स्टेट्स हैं ना, जो दुश्मन स्टेट्स हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि वो स्टिर अप कर दें, फिर से एक्टिव कर दें ट्रबल को इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एट अ टाइम, उस वक्त व्हेन द जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर इन द रीजन, जो वो उनका जो जियोपॉलिटिकल का मतलब क्या है, मतलब जो उनका रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं इज़ राइजिंग, वो जो टेम्परेचर है, मतलब उनका जो ताल्लुक है वो क्या है, उसके अंदर वो टेम्परेचर राइज हो रहा है, मतलब कि वो जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं जा रहा, कैन नॉट बी डिस्काउंटेड। तो ये जो चीज़ है ना, इसको डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, विच इज़ वाई, यही वजह है कि वाई सिक्योरिटी ऑर्गन्स, कि क्यों सिक्योरिटी ऑर्गन्स मस्ट बी प्रोएक्टिव, कि उनको क्यों पहले से ही एक्टिव रहना चाहिए, तो वो ये रीज़न है। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये जो चांसेस हैं कि जो होस्टल स्टेट्स हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो किसी तरह से ट्रबल को फिर से एक्टिव करें पाकिस्तान में, और वो भी उस वक्त जब उनका जो ताल्लुक है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जो रिलेशन है वो भी अच्छा नहीं जा रहा, और ये जो पॉसिबिलिटी है इसको वो कह रहा है इग्नोर नहीं किया जा सकता, यही वजह है कि जो सिक्योरिटी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोएक्टिव रहना चाहिए, उनको पहले से ही एक्टिव रहना चाहिए। अब इसको जोड़ते कह रहे हैं ये जो पॉसिबिलिटी है ना कि ये जो दुश्मन ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर से एक्टिव कर दें ट्रबल को पाकिस्तान में, और वो भी उस वक्त जब जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर जो है ना वो बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो पॉसिबिलिटी है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कहता यही वजह है कि जो सिक्योरिटी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोएक्टिव रहना चाहिए, उनको पहले से ही एक्टिव रहना चाहिए। अच्छा, द पॉसिबिलिटी हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट बी डिस्काउंटेड, ये हमारी वर्ब है। डिस्काउंट करने का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना, किसी चीज़ को इग्नोर करना। होस्टाइल स्टेट्स आर लुकिंग, होस्टाइल स्टेट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं ये करने की। जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर हमारा सब्जेक्ट है, इज़ राइजिंग हमारी वर्ब है। तो जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर से क्या मुराद है, जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, स्पेशली खासतौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं तो वो जो टेम्परेचर है ना, जो मतलब उनका जो ताल्लुक है उसके लिए उसने लगाया कि वो बहुत राइज हो रहा है, कि मतलब वो अच्छा नहीं जा रहा। डिस्काउंट का मैंने बता दिया। अच्छा, उसके बाद विच सब्जेक्ट है, इज़ उसकी वर्ब है, सिक्योरिटी ऑर्गन सब्जेक्ट मस्ट बी उसकी वर्ब। अच्छा, प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव जो होती है ना, ये जो रूट नज़र आ रही है प्रो, इसका एक मतलब बिफोर भी होता है, ठीक है, अगर इसको आप ब्रेक करो तो इसका मतलब है कि बिफोर पहले से ही एक्टिव हो जाना, मतलब विदाउट वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, किसी चीज़ के रिस्पॉन्स का वेट किए बगैर पहले से ही एक्टिव रहना हमले के लिए। मोर ओवर मजीद, इफ़ द रिपोर्ट दैट डिफरेंट सेपरेटिस्ट एंड पॉलिटिकल मिलिटेंट्स हैव ज्वाइंट फोर्सेज आर ट्रू, कहता है ये जो रिपोर्ट्स आई हैं ना कि डिफरेंट जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलहदगी पसंद ग्रुप हैं, और जो पॉलिटिकल मिलिटेंट्स हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं, ये जो रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल सही हैं। देन क्या है, द स्टेट मस्ट अडोप्ट, जो स्टेट है उसको अडोप्ट करना चाहिए, उसको ढालना चाहिए इट्स काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को, इसकी जो पॉलिसी है रोकने के लिए दहशतगर्दी को, अकॉर्डिंगली इसके मुताबिक।
तो अब वो ये कह रहा है कि जो रिपोर्ट्स हैं ना, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं कि जो डिफरेंट सेपरेटिस्ट हैं और पॉलिटिकल मिलिटेंट्स हैं सब ज्वाइन हो गए, आपस में मिल गए हैं, कहता है ये रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। जो स्टेट है अब उसको क्या करना चाहिए, उसको ढाल लेना चाहिए, उसको अपना लेना चाहिए काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को इसके मुताबिक। तो द रिपोर्ट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये जो RTO है ये इसकी वर्ब है, जो डिफरेंट सेपरेटिस्ट और पॉलिटिकल मिलिटेंट्स हैं इसकी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है, फिर स्टेट है, फिर इसकी वर्ब है, फिर ये इस तरह से बना हुआ है। अच्छा, आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।